मजदूरों पर बसों की बेबस राजनीति अभी थमी नहीं है। कल की बात है, 24 घंटे पहले कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने योगी की तारीफ कर अपनी पार्टी और प्रियंका गांधी पर सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिरकार आप कितनी नीचे वाली राजनीति कर रहे हैं। बस यही कहा था और 24 घंटे बाद कांग्रेस ने एक्शन ले लिया और अब क्या हो रहा है, जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है, वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। पिछले 72 घंटों से बसों को लेकर राजनीति इसी कदर जारी है, थमने का नाम नहीं ले रही। 1000 बसों की पेशकश योगी सरकार के सामने प्रियंका गांधी ने रखी थी। सरकार ने पेशकश को मान लिया लेकिन पता चला कि बसों की जगह कहीं एम्बुलेंस, ऑटो, टेम्पो और बाइक तक भी उस लिस्ट में नजर आ रही है। बस फिर क्या था, राजनीति चरम पर पहुंच गई। योगी सरकार ने ऐसे लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया जिन्होंने फर्जी लिस्ट दी थी, यानी कि लल्लन सिंह पर, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्हीं पर एक्शन ले लिया, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो गई। चलिए यहां तक मामला सब ठीक था, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह सामने आती हैं और वो क्या कहती हैं, वो जरा सबसे पहले आप देखिए। आपदा के वक्त ऐसे निम्न सियासत की क्या जरूरत है, 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा, 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा है व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागज के, ये कैसा क्रूर मजाक है, अगर बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। वो आगे कहती हैं कि कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहां थी ये तथाकथित बसें, तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए बॉर्डर तक ना छोड़ पाई, तब योगी आदित्यनाथ जी ने रातों रात बड़े बसें लगाकर इन बच्चों को घर पहुंचाया, खुद राजस्थान के सीएम ने भी इसकी तारीफ की थी। तो बस यही बात कही थी, प्रियंका गांधी को पची नहीं और अब 24 घंटे बाद पार्टी से बाहर का रास्ता अदिति सिंह को दिखा दिया गया है। लेकिन इसके बाद जनता है जो सब कुछ देखती है, पहचानती है, सोचती है, समझती है, क्या कह रही है जरा ये देखिए। मयंक कहते हैं ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती है इनके पिता श्री, ना कभी कांग्रेस के दबाव में ना कभी बीजेपी इनका कुछ कर पाई। 2014-2019 की आंधी में भी इन्होंने लाखों वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। हर पार्टी का व्यक्ति इनका और उनके पिताजी का सम्मान करता है। राजेश बेनीवाल कहते हैं कांग्रेस ही कांग्रेस के दुश्मन, ये भी फूल छाप बन गई, झूठ फैलाते शर्म नाई। प्रिंस यादव कहते हैं जो सच बोले उसे शर्म कैसा, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो झूठ फैला रहे हैं। अब लोग कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अग्रिम बधाइयां विधायिका जी, शायद अब रायबरेली क्षेत्र का कुछ उद्धार हो सकता है, जय श्री राम। तो देखा आपने, लोग यहां तक कयास लगाने लगे हैं कि अदिति सिंह जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर लेगी और अब उनके इलाके का कुछ विकास हो पाएगा। लेकिन राजनीति अपने चरम पर है, कुछ लोगों ने निशाना भी साध दिया, कुछ लोग यहां तक भी कह रहे थे कि अगर इतनी दिक्कत थी तो त्यागपत्र क्यों नहीं दिया था कांग्रेस से। यानी लोग हैं जो सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन सवाल ये कि मजदूरों पर चल रही राजनीति बदस्तूर जारी है। इस वीडियो पर आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।